संकीस किचन। हाय मॉम। हेलो हेलो। क्या हो रहा है आज? आज एक ऐसी चीज बन रही है फिर से जो विदाउट ओवन बनेगी। अरे वाह, वो क्या है? वो है नान खटाई। वाव। और वो भी फराड़ी। ओके। उसके लिए फास्टिंग वाला आटा है। हाँ जी। जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है जी, उसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। हाँ। आप जाके चेक कर सकते हैं। शुगर और घी। ओके। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी है और बेकिंग सोडा है। अच्छा, टूटी फ्रूटी की भी रेसिपी है, वो भी लिंक डाल देंगे हम, मेंशन कर देंगे। हाँ, तो आप जरूर देखिएगा। तरबूज से टूटी फ्रूटी बनाई थी मैंने, तो वो लिंक भी उसमें डाल देंगे। ओके। सबसे पहले हम आटा लेंगे। एक कप फराड़ी आटा है। ओके। इसमें हाफ कप शुगर डालेंगे। ये पिसी हुई शुगर है? हाँ, पिसी हुई शुगर है। okay. पाउडर है। एकदम थोड़ा सा बेकिंग सोडा है, वो okay. भी डाल देंगे। कितना? हाफ टी स्पून? 1/8 टी स्पून? हाँ, 1/8। ओके। और इसे एकदम बराबर मिक्स कर लेंगे। ओके okay. अच्छे से मिक्स करना है। चाहे तो इसे छान भी सकते हैं ताकि वो अच्छे से सारा मिक्स हो जाए। हाँ। या फिर ऐसे मिक्स कर सकते हैं। मैंने पहले ही छान के लिया था। ओके okay. तो इसे बस मिक्स ही करना है। मिक्स हो गया। अभी हम घी लेंगे, जरूरत के हिसाब से डालते जाएंगे और इसका डो बनाते जाएंगे। थोड़ा okay. सा थिक घी लिया है। इसमें आप कोई सा भी घी ले सकते हैं, देसी घी या डालडा घी या ऑयल भी ले सकते हैं। अभी इसे हाथ से मिक्स करना पड़ेगा। ओके okay. तो मिक्स कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से डो बन चुका है। एक कप फराली आटा, आधा कप शुगर और आधा कप घी गया है। और इस तरह से एकदम मस्त डो बन चुका है। वाह, बिना पानी के डो बनाना? हाँ, पानी नहीं, घी में ही बनाना है। ओके पर कभी कभी चल जाता है। और ये फास्टिंग आइटम है, तो अभी अधिक मास चल रहा है, नवरात्रि भी आ रही है। आप लोग बना के इसको स्टोर कर सकते हैं। जो एक टाइम खाना खाते हैं, मतलब एक टाना करते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी रहेगी। हाँ जी। तो अभी इसका बोल बना लेते हैं। बोल बनाने से पहले यहाँ पे मैंने देसी ओवन को प्रीहीट कर लिया है। अरे वाह। मैं बताती हूँ क्या रखा है इसमें। एक बर्तन लिया है, उसमें मैंने नीचे नमक डाल दिया है। ओके। और इसके ऊपर एक जाली रख दी है। स्लो आंच पे गैस चालू कर दिया है और इसे बंद कर दिया है। ओके okay. तो ये हो गया देसी जुगाड़। वाओ, आप चाहे तो रेत भी यूज कर सकते हैं। हाँ, नीचे रेत भी डाल सकते हैं। ओके okay. तो इस तरह से इसको प्रीहीट होने देते हैं और बना लेते हैं नान खटाई का बोल। ओके okay. हाँ, अभी क्या हो रहा है? अभी एक थाली ले लिए जिसके ऊपर मैंने बटर पेपर रख दिया है और थोड़ा सा ग्रीस भी कर लिया है। ओके okay. बटर पेपर नहीं है तो आप ऐसे घी से ग्रीस कर सकते हैं। ओके okay. या फिर जिस चीज का आप नान खटाई बना रहे हैं वो आटा भी छिड़क सकते हैं इसमें। ओके okay. अभी हम इसमें से एक छोटा सा बोल लेंगे, तकरीबन 30 ग्राम, 30-40 ग्राम का। ओके okay. और इसको इस तरह से राउंड बना लेंगे और इसे यहाँ पे रख देंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखना है क्योंकि वो बाद में फैलेगा। फैलेगा तो, हाँ जी, अगर नज़दीक रखेंगे तो एक साथ चिपक जाएगा है। जी जी। तो इस तरह से सारे बॉल बना लेते हैं। ओके। सारे बॉल्स बन के रेडी हैं। अभी हम इसमें होममेड टूटी फ्रूटी जो मैंने बनाई थी वो इसमें ऐसे चिपका देंगे। वाओ। और चारों ओर जगह रखनी है क्योंकि ये बाद में फैलेगी। एक दो में पिस्ता भी रखते हैं। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, जब डो बनाया तभी, पर मैंने नहीं डाला है, ऐसे ही अच्छी लगती है। देखिए, वाओ, ये रेडी हो चुका। अभी हमारा प्री हीटेड ओवन रेडी है। ओके तो उसमें इसको डाल देते हैं। चलिए।
वाओ व्हाट अ ओवन। हर एक के घर में ओवन होना जरूरी नहीं है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि नान खटाई कैसे बनाए, तो अभी इसको हम ऐसे रख के बंद कर देते हैं बस, और इसे कम से कम 20 मिनट ऐसे ही पकने देना है। ओके, एकदम स्लो आंच पे ही रखना है ना। हाँ जी। जिस मिनट मैंने यहाँ पे इसको रखी थी, अभी आप देख सकते हैं ऊपर से थोड़ी सी ड्राई और नीचे से हल्की ब्राउन हो चुकी है, मतलब नान खटाई रेडी हो चुकी है। इसे हम निकाल लेंगे। मैंने इसको ओवन से निकाल लिया है और अभी इसे हम 10 मिनट ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए कितनी भी दूर दूर रखी थी, पास पास आ चुकी है ना, तो अभी इसे हम ठंडा होने देंगे। दूसरा जो थोड़ा सा डो बच गया था उसमें मैंने हल्का सा रेड कलर डाल दिया था, तो पहले वाली जो बनाई उसके उसे निकाल के उसी बटर पेपर और वही थाली में मैंने ये छोटी छोटी बना के रख दी है। अभी इसे हम बेक कर लेंगे। तो देखिए रेडी है नान खटाई। यस, फराली नान खटाई। यस, जिसे आप चाहे तो 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, और आपको दिखा देती हूँ। देखिए दोनों साइड से अच्छे से एकदम बेक हो चुकी है। वाओ, और एकदम क्रिस्पी, और देखिए बहुत ही बढ़िया दिख रही है ना? तो हाँ, चाली भी पड़ी है, तो एकदम परफेक्ट नान खटाई रेडी है। आप फास्टिंग में खा सकते हैं, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो फास्टिंग में नहीं खा सकते, तो एंजॉय कीजिए अधिक मास। यस, ट्राई कीजिए और फिर हमें बताइए कि कैसी बनी। जी बिल्कुल, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।